हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। अधिकतर एस्पिरेंट्स जनरल अवेयरनेस सेक्शन में बाकी सेक्शंस के कंपैरिजन में कम स्कोर कर पाते हैं। उसका मेन रीज़न ये है कि उन्हें पता नहीं होता कि पूरे जनरल अवेयरनेस सेक्शन में कौन से वो टॉपिक्स हैं जिससे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंसियरली अपने नोट्स बनाना। सबसे पहले आप ये वाले टॉपिक्स अपने अगर तैयार करते हो, आप ये मान के चलो इन टॉपिक से हर सेट में आपको सवाल देखने को मिल रहे हैं, बहुत फायदा आपको होगा। सिंसियरली सारे के सारे टॉपिक्स नोट करो, और टॉपिक्स के साथ साथ मैं आपको विद प्रूफ चीजें दिखाऊंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन कौन से आपसे पूछे गए हैं। अगर आप अनअकैडमी प्लस पे तैयारी करना चाहते हैं तो सारे एजुकेटर्स के सारे कोर्सेज आप ले सकते हैं, जितने भी प्लान से आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। डिस्काउंट के लिए आपको PMYT डिस्काउंट कोड लगाना है, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। बिना स्पेस के बस आपको PMYT लिखना है। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपको तैयार करना है, अगर मैं पूरी हिस्ट्री की बात करता हूँ, एंशियंट मिडिवल मॉडर्न, इसके अंदर आपको सबसे पहला टॉपिक जो तैयार करना है वो तैयार करना है मिडिवल के अंदर मुगल एम्पायर। इससे बहुत सारे सवाल देखने को मिले हैं, और सवाल ऐसे हैं कि अगर आप सिंपल इनकी क्रोनोलॉजी भी समझते हो तो आसानी से आपके सवाल बन जाएंगे। मैं आपको कुछ सवाल दिखाता हूँ, तब आप इस बात को ध्यान से समझेंगे। इस सवाल को आप देखिए। डैश वॉज द फर्स्ट मुगल एम्पायर इन इंडिया। एक सिंपल सा सीक्वेंस है कि सबसे पहले बाबर आए, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर आए औरंगजेब। अगर ये सिंपल सा सीक्वेंस भी अगर आपको याद है कि यहां से कहानी शुरू होती है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 से, वो कहानी 1707 पे जाती है जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो आप इससे इजीली इस सवाल को बना जाएंगे कि सबसे पहले बाबर आए थे आपके देश में, तोपों को लेके आए थे और लोधी की आर्मी को इजीली हराया था, जबकि इनकी जो सेना है वो उनसे कम थी। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूं, अगला सवाल आप देखें। अकबर वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन। अगर आपको वो सीक्वेंस याद है कि अभी जो मैंने आपको बताया, बाबर, हुमायूं, अकबर के बाद जहांगीर आए थे, तो इजीली आप इस सवाल को बना सकते थे। बाकी डिटेल आपके लिए किसी काम की नहीं है, सिंपली आप इस लाइन से ही अपना एक सवाल बना सकते थे। अगर मैं आपसे बात करता हूँ तीसरे सवाल की, हुमायूं हेयर, यानी हुमायूं का बेटा कौन था। अगेन वही सेम सीक्वेंस, बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर। मैं आपको यहाँ ये समझाना चाह रहा हूँ, सबसे पहले आप इस सीक्वेंस को याद करना, उसके बाद उसके बारे में डिटेल्स पढ़ना। सबसे पहले आपको मुगल एम्पायर तैयार करना है। अब बहुत सारे सवाल ऐसे देखोगे जो यहाँ से आपको देखने को मिले, जैसे कि ये सवाल है, लाल किला और जामा मस्जिद दिल्ली के अंदर किसने बनवाई है। शाहजहां ने बनवाई है। इसी टाइप से आपसे सवाल पूछ लेगा कि ताजमहल किसने बनवाया है। अगेन आंसर सेम होगा, शाहजहां ने ही बनवाया है। हु हैड बिल्ट ताजमहल, देखिए अगेन यही वाला सवाल आपको देखने को मिला है। SSC CGL के ही है, मैं आपके साथ सारे के सारे सवाल डिस्कस कर रहा हूँ। यही सवाल घुमा फिरा के अलग अलग तरीके पूछे जाएंगे। पहले पूछ लिया ताजमहल किसने बनवाया है, फिर पूछ लिया जाएगा ताजमहल जो है कौन से शहर में है, कौन सी नदी के किनारे बना है। ये बहुत सारे सवाल जितने भी बनते हैं, अगर आप सबसे पहले मुगल एम्पायर अपना अच्छे से पढ़ोगे, बहुत आसानी से आपके सवाल बनेंगे। सफदरजंग टूम्ब कहाँ पर है, आपको पता होना चाहिए, दिल्ली के अंदर है। जितनी चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, सब की सब आपकी मिडिवल पोर्शन से आपकी जुड़ी हुई है। डैश मैरिड मेहरुन्निसा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मल्टीपल टाइम्स से रिपीट हो चुका है। मेहरुन्निसा से किसने शादी करी थी, जिसे बाद में उसने नूर जहाँ का टाइटल दिया था, जहांगीर ने शादी करी थी। मिडिवल बहुत अच्छे से आपको पढ़ के जाना है, सिंसियरली अपने नोट्स बनाने हैं, और सीक्वेंस है उस पर एक्स्ट्रा काम करना है, और जो डिटेल्स हैं आपकी जो बादशाह से जुड़ी है उसे आपको अच्छे से पढ़ना है। डैश डाइड इन 1605। अगर आप सीक्वेंस भी समझोगे तो आप यहाँ पे थोड़ा बहुत एलिमिनेट कर सकते हो। और आपको पता होना चाहिए जो अकबर है उन्हीं की जो आप कहेंगे कब्र है वो सिकंदरा में है, और सिकंदरा कहाँ पर है, आगरा के पास में है। हु डाइड इन 1605, अगर आप इसे देखते हैं, आप सीक्वेंस समझते कि बाबर है 1526 में आया है और 1530 तक रहा है। इस टाइप से आप अगर सीक्वेंस को पढ़ोगे सबको, तो इजीली आप टिक कर पाओगे कि अच्छा शाहजहां जो है ये तो 1660 के आसपास की बात होनी चाहिए, 1658 में औरंगजेब आया था, 1666 में इनकी मृत्यु हुई थी, तो ये नहीं हो सकता, औरंगजेब तो 1707 में मरा था। इस तरीके आप एलिमिनेशन लगाओ, इस तरीके इस थ्योरी को अच्छे से पढ़ो कि आपको बिल्कुल भी इसमें परेशानी ना हो। बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, आपको लगेगा कि देखो कितने सारे सवाल आए हैं। सबसे पहले आपको ये वाला टॉपिक अपना तैयार करना है, आर्किटेक्ट किंग किसे कहा जाता है, जिसने सबसे ज्यादा मॉन्यूमेंट्स बनवाए हैं, जो कि है शाहजहां। अगला जो टॉपिक आपको तैयार करना है, ठीक एक गियर आपको पीछे जाना है, और दिल्ली सल्तनत आपको तैयार करना है। चाहो आप दिल्ली के बाद मुगल कर सकते हो, चाहो आप मुगल के बाद दिल्ली कर सकते हो, लेकिन ये पूरा पैक आपका सबसे पहले तैयार होना चाहिए पूरे हिस्ट्री के अंदर। जिस तरीके आप पढ़ना चाहो उस तरीके पढ़ो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत ऑफिशियली जहां से शुरू होती है उसे आप कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से जानते हैं, जो आपका पहला सुल्तान, पहला आप कहेंगे दिल्ली सल्तनत का बनाने वाला बनेगा। उसके बाद इल्तुतमिश आता है, लेकिन आपको हमेशा
इसे घोरी से ही पढ़ना है। फिर भी मेरा सजेशन रहेगा घोरी से भी पहले अगर आप गजनी से पढ़ोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। एक सीक्वेंस आपको समझने में आसानी रहेगी कि सबसे पहले आप गजनी के बारे में पढ़े, फिर आप घोरी के बारे में पढ़ें, उसके बाद आप पढ़ें कि अच्छा इनका जो गुलाम था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसके बाद आप पढ़ें अच्छा इनका जो गुलाम है इल्तुतमिश था, अगला सुल्तान बनेगा वो, इनके बाद रजिया। एक सीक्वेंस में आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स अगर आप पढ़ोगे आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। मैं आपको कुछ सवाल दिखाता हूँ, मैं ऐसा क्यों कहना चाह रहा हूँ। 1026 के अंदर सोमनाथ टेम्पल को किसने लूटा था? अगर आप सिंपली सीक्वेंस भी समझते हो कि मोहम्मद घोरी के बाद तो कुतुबुद्दीन ऐबक आया होगा और ये बात हो रही होगी 1206 की, तो किसी भी तरीके प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि जो घोरी है वो 1026 के अंदर सोमनाथ मंदिर को लूटे। तो इस तरीके आप एलिमिनेशन लगाओ। नादिर शाह और चंगेज़ खान तो वैसे भी बात की बातें हैं, ये इल्तुतमिश के समय की बातें हैं और नादिर शाह उसके भी बात की बात है। इस तरीके भी अगर आप सीक्वेंस को समझोगे आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। इसका जो करेक्ट आंसर है महमूद ऑफ गजनी है। द पीरियड बिटवीन डैश एंड डैश इन इंडिया हिस्ट्री इज नोन एज दिल्ली सल्तनत। बिल्कुल बेसिक सा सिंपल सा सवाल था। 1206 से शुरू होता है जब कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं, दिल्ली सल्तनत बनाते हैं, अपना गुलाम वंश की स्थापना करते हैं, और 1526 तक चलता है जब बाबर आता है पानीपत के फर्स्ट बैटल के अंदर और आके अपना मुगल वंश बनाता है। विच वॉज द फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी दैट रूल्ड इंडिया। अब एक बात बताओ, सिंपल सा एक छोटी सी बात थी कि हमने स्लेव डायनेस्टी की बात करी, उससे 3 से 4 सवाल आपको देखने को मिल गए कि सबसे पहली डायनेस्टी कौन सी थी, इसका शुरू होने का ईयर कौन सा था, और इसके बाद आपसे बात करी गई थी कि और इसके अलावा आपसे बात करी गई थी कि सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था, उसे भी आप इससे इनडायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे। इन चीजों को बहुत अच्छे से आपको नोट करना है। डैश वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर, यहाँ पे ध्यान देना, ये नहीं कह रहा इकलौता कौन है, सबसे पहला कौन है जिसने माना जाता है पूरे देश पे कब्जा करा था, अलाउद्दीन खिलजी है। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि खिलजी वंश का स्थापक कौन है। आप मुझे फटाफट से कॉमेंट में बताएं, इन चारों में से एक आंसर है और मैं आपको हिंट देता हूँ ऑप्शन नंबर 1 नहीं है। खिलजी वंश जो है उसकी शुरुआत किसने करी है? 3 ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से ही कोई आंसर हो सकता है, फटाफट से मुझे कॉमेंट में बताएं। द इन्वेजन ऑफ डेली बाय तैमूर या तैमूर लंग जिन्हें आप जानते हो कौन से साल में आए थे, जिसके बाद आप कहेंगे तुगलक जो एम्पायर है वो पूरे तरीके खत्म हो गया था। अब अगर आप बेसिक सीक्वेंस भी अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो आप अगर आप पूरी हिस्ट्री को अच्छे से समझते हो तो आप एक बात समझोगे, 1645 में दिल्ली सल्तनत तो होगी ही नहीं, 1215 में तो अभी अभी गुलाम वंश आया होगा। तो इस तरीके आप चीज़ों को एलिमिनेट करोगे और अपने आंसर तक पहुंचोगे। हु फाउंडेड सैयद डायनेस्टी, आपको सबसे ज्यादा जो सवाल देखने को मिलता है डायनेस्टी के फाउंडर से, डायनेस्टी जब भी आप पढ़ें फाउंडर, ग्रेटेस्ट रूलर एंड लास्ट रूलर, ये 3 चीज़ें आपको सबसे पहले पढ़नी है, और अगर हो सके तो इसके ईयर भी आप याद कर लेना, आपके लिए आंसर को चूज करना थोड़ा सा आसान रहेगा। डैश वॉज द फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम वुमन टू एवर सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली एकमात्र कौन थी? इनमें से आपके सामने 4 आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। आंसर है इसका रजिया सुल्तान या फिर रजिया बेगम है। अगले पेपर में आपसे सवाल बन सकता है कि किसकी बेटी थी। 4 ऑप्शन आपको दे देगा, कुतुबुद्दीन ऐबक दे देगा, इल्तुतमिश दे देगा, गियासुद्दीन बलबन दे देगा, और 4था ऑप्शन मान लेते हैं आपको अलाउद्दीन खिलजी दे देगा। आपको करेक्ट आंसर बताना होगा। अगर आपको आंसर पता है रजिया बेगम जो है इनमें से किसकी बेटी थी, आप फटाफट से मुझे कॉमेंट में बताएं। द कुतुब मीनार वॉज नेम्ड आफ्टर द सूफी सेंट। अब लोग इस सवाल को रट कर जाते हैं, समझ के नहीं जाते, सवाल का मतलब ये नहीं है किसने बनवाया था, क्योंकि उसके केस में आप कहेंगे बनवाने की शुरुआत करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन सवाल ये है किसके नाम पर बना है। और हिंट दिया है SSC ने यहाँ से, सूफी सेंट लगा दिया है जिससे आप पहचान पाएं कि आंसर ऑप्शन नंबर 2 नहीं ऑप्शन नंबर 4 होगा। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे कुतुब मीनार बनवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, उसके बाद इस पे इल्तुतमिश ने भी काम करा है और इसे पूरा करवाया है। इसके बाद मैं आपसे इंडियन पॉलिटी की बात कर लेता हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको हिस्ट्री के अंदर समझ आ गया होगा कि सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है। देखो पढ़ना सब कुछ होता है, लेकिन सबसे पहले अगर आप इसे पढ़ोगे तो इजीली आप अपने सवालों को सही कर पाओगे, अपना स्कोर जो है मैक्सिमाइज कर पाओगे। अगर मैं आपसे पॉलिटी की बात कर दूं, पॉलिटी में सब कुछ नहीं पढ़ना होता, पूरा संविधान नहीं पढ़ना होता, सबसे पहले जो आपको पढ़ना है, आर्टिकल से भी पहले जो आपको पढ़ना है वो पढ़ने ओथ, वैकेंसीज और रेजिग्नेशन। इसका मतलब ये है कि
कि एक बेसिक सा पैटर्न चलता है कि किसको ओथ कौन दिलाता है, कि अगर प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट को कौन ओथ दिलाएगा, वाइस प्रेसिडेंट को कौन, गवर्नर को कौन, चीफ जस्टिस को कौन, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को कौन, ये पूरा सीक्वेंस आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा वैकेंसी, अगर मान लेते हैं जो प्रधानमंत्री है वो इस्तीफा दे देते हैं तो उनकी गद्दी पर कुछ समय के लिए कौन बैठेगा, अगर मैं आपसे बात करूँ तो राष्ट्रपति इस्तीफा दे देते हैं तो उनकी गद्दी पर कौन बैठेगा, अगर मैं बात करता हूँ आपसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर इस्तीफा दे देते हैं उनकी गद्दी पर कौन बैठेगा, अगर वाइस प्रेसिडेंट आपका रिजाइन दे देते हैं उनकी गद्दी पर कौन बैठेगा, एंड सेम सीक्वेंस डेथ के केस में। सबसे पहले आपको ये वाला पैटर्न समझना है। देखो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, इन केस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉन्ट्स टू रिजाइन ही वुड एड्रेस हिज रेजिग्नेशन टू, अगर राष्ट्रपति रिजाइन करना चाहते हैं तो अपना रेजिग्नेशन किसे देंगे, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको आंसर पता होना चाहिए। अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, एक सीक्वेंस है वो हमेशा याद रखना कि जब प्रेसिडेंट है सेकेंड नंबर पे वाइस प्रेसिडेंट है, फिर आते हैं आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर ये भी नहीं होंगे तो जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा आपका सुप्रीम कोर्ट का वो इनकी जगह पे बैठता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखिए, इन केस ऑफ डेथ ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट की डेथ होती है तो उनकी गद्दी पर वीपी बैठते हैं, अगर वीपी की भी डेथ हो जाती है तो इनकी गद्दी पर कौन बैठेंगे, ये सवाल है। एक बेसिक सा सिंपल सा सीक्वेंस है, अगर आप इसे पढ़ के जाएंगे तो इस टाइप के बहुत सवाल आपको देखने को मिलते हैं। कौन बैठेगा इनकी सीट पे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर आपको आंसर पता है तो आप फटाफट से मुझे कमेंट में बताओ, हु इज द करेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इस समय जब हम बात यहाँ पे कर रहे हैं तो आपके देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। अगर आप मुझे ये भी बता पाए कौन से नंबर के हैं वो तो और बढ़िया बात होगी, कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं ये भी आप मुझे फटाफट से कमेंट में बताएं। हु प्रेसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, इस सवाल में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है प्रेसिडेंट में और स्पीकर में। बेस्ट पार्ट ये है कि सवाल में आपको ऑप्शंस में प्रेसिडेंट दिया ही नहीं हुआ, हमेशा याद रखना कौन कॉल करता है मीटिंग को, कॉल के केस में आप हमेशा ध्यान रखेंगे कॉल करेगा, समन करेगा हाउसेस को, प्ररोक करेगा, सबके केस में आंसर प्रेसिडेंट होता है। अगर प्रेसाइड की मैं बात करता हूँ तो उस केस में स्पीकर ऑफ लोकसभा इज द करेक्ट आंसर, स्पीकर ऑफ लोकसभा वो है जो कि लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सीटिंग अगर होती है तो उसे प्रेसाइड करते हैं। इन पार्लियामेंट हु टेक्स द फाइनल डिसीजन ऑन वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट, स्पीकर इसका आंसर होगा। और ये चीज आपको समझनी है कि स्पीकर से प्रेसिडेंट से सबसे ज्यादा आपको सवाल देखने को मिलते हैं, इसके बाद आप वाइस प्रेसिडेंट तैयार कर सकते हैं और इसके बाद आप CJI के बारे में थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं, यहाँ से मैक्सिमम आपको सवाल देखने को मिलते हैं। अगर आप ये बेसिक बातें समझ गए हैं तो इसके बाद जो आपको चीज तैयार करनी है वो लोकसभा यानी पार्लियामेंट के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, कितने सेशंस होते हैं ये सब आपको याद रखना है, एंड इसके बाद जब आप इतना कर लोगे तो आपको याद करने आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स का मतलब सारे आर्टिकल्स है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, ओनली दोज विच आर इंपॉर्टेंट, सिर्फ वो आर्टिकल्स जो इंपॉर्टेंट है। क्या सर सारे अमेंडमेंट्स याद करने, बिल्कुल भी नहीं, अपने को वकील नहीं बनना है, एग्जाम क्लियर करना है, वही याद करना है जिससे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, जितने जैसे कि आपसे मैं बात करता हूँ 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 100th अमेंडमेंट आपको पता होना चाहिए, कौन सा पहला आपको पता होना चाहिए, मेनली जो सवाल बनते हैं आपके यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। अगर मैं आर्टिकल्स की भी बात करता हूँ, आर्टिकल्स याद करने से पहले आपको पार्ट्स याद होने चाहिए, पार्ट्स आपको सारे के सारे याद होने चाहिए, पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 22 तक हर एक का सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, टोटल पार्ट्स कितने हैं, और हमेशा याद रखना टोटल में ओरिजिनल भी आपको पता होना चाहिए कि जब संविधान बना था तब कितने थे और अभी जब हम बात कर रहे हैं तो भी कितने हैं। मैं अब फटाफट से अगर आपको पता है आप मुझे कॉमेंट्स में बताएं टोटल पार्ट्स कितने हैं, मैं आपको हिंट देना चाहूंगा, इनमें से एक का आंसर 22 है, एक का आंसर 25 है, आप मुझे कॉमेंट में बताएंगे ओरिजिनली कितने थे आपके संविधान के अंदर पार्ट्स और अभी कितने हैं संविधान के अंदर पार्ट्स। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द प्रोविजन फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेजिडेंट, जैसा मैंने आपको कहा सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको याद करने हैं, जिसे आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 44 कौन सा है, 61 कौन सा है, इमरजेंसी के जितने आर्टिकल्स हैं हमें पता होने चाहिए, इसके अलावा हमें पता होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स के जितने आर्टिकल्स हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको सबसे पहले पढ़नी है। इस समय आपको पता होगा पिछले कुछ समय से सिटीजनशिप काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, तो सिटीजनशिप कौन से पार्ट में आता है आप फटाफट से मुझे बताएं, कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं आप फटाफट से मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको हिंट देता हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ, इन चारों में से ही आपका आंसर होना चाहिए। कौन से पार्ट के अंदर सिटीजनशिप की बात हम करते हैं, मैं और अपने पास से हिंट दे देता हूं, ये दोनों भी नहीं होंगे, इनमें से आप मुझे फटाफट से बताओ कॉमेंट में कौन सा पार्ट ऐसा है जिसके अंदर सिटीजनशिप की बात करी जाती है।
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर। सवाल ये कहना चाहता है कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है कौन से साल में आया था। थोड़ा सा लॉजिक से भी हम अगर इस सवाल को करेंगे तो भी हम हिंट लगा सकते हैं कि जब संविधान की हम बात करते हैं तो हम स्टार्टिंग करते हैं 1950 से, तो चांसेस ये बनते हैं कि उसी के पास कभी ना कभी अमेंड हुआ होगा। 1951 के अंदर सबसे पहला अमेंडमेंट आपके संविधान के अंदर देखा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगेन वही सेम बात कि कौन सा आर्टिकल ऐसा है, ओनली इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको याद करने, जिसे मैंने आपको भी 44 बताया था, ये सवाल बनता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये सवाल दोबारा भी पूछा जा सकता है, आप इसे अपने पास नोट करें एंड आपको पता होना चाहिए। एक सवाल अब मेरे पास है आपके लिए, कौन से पार्ट के अंदर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, कौन से पार्ट के अंदर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की। मैं आपको चार ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए पार्ट नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 पार्ट, ऑप्शन नंबर 2 पार्ट नंबर 4, ऑप्शन नंबर सी पार्ट नंबर 4A और ऑप्शन नंबर डी है पार्ट नंबर 20। फटाफट से आप मुझे इसका आंसर कॉमेंट में दें, कौन से पार्ट के अंदर आता है आर्टिकल नंबर 44 या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड। इन द ईयर 1978, अगेन याद रखना सिर्फ 1978 पढ़ के आप इस सवाल का आंसर दे सकते हो, सिर्फ 1978 पढ़ के अपना काम बन जाएगा। और ये बहुत बार पूछा जाता है राइट टू प्रॉपर्टी क्या फंडामेंटल राइट है, आंसर है नो, क्या लीगल राइट है, आंसर है येस। इससे जुड़ी कुछ बातें आप ध्यान रखना, राइट टू प्रॉपर्टी की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, पहले कौन से पार्ट के अंदर था, थर्ड के अंदर, पहले कौन से आर्टिकल के अंदर था, अब कौन से पार्ट के अंदर है, अब कौन से आर्टिकल के अंदर, ये चार बातें आपको पता होनी चाहिए। क्या ये फंडामेंटल राइट है, नो, क्या ये लीगल राइट है, आंसर है यस। तो क्या ये पार्ट 3 में होगा, अब नहीं, कौन से पार्ट में होगा, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, फटाफट से आप मुझे कमेंट करके यहां पर बताओ क्या लिखना है, इन तीनों जगह क्या लिखना है। आगे चलते हैं, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर सेंट्रल स्टेट रिलेशंस मेंशन्ड। अब हमेशा याद रखना, अगर आपने पार्ट्स याद कर रखे हैं तो इन्हें आप सीक्वेंस से, चाहे आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो कि पार्ट नंबर 1 कौन सा है, पार्ट नंबर आपका 22 कौन सा है, इस तरीके। जैसे पार्ट नंबर 11 है तो आपको पता होगा 11 बनता है 5 + 6 से, तो 5 पार्ट नंबर 5 यूनियन का है, पार्ट नंबर 6 जो है वो स्टेट्स का है, या फिर सेंटर और स्टेट। तो सेंटर का अगर 5 चलता है, स्टेट का 6 चलता है, तो पार्ट नंबर जो 11 होगा वो इनका आपस में रिलेशन बता रहा है, यानी बीच में प्लस माइनस दिखा रहा है। आप ऐसी बेसिक बेसिक ट्रिक से चीजों को अगर याद करेंगे तो आपके लिए काफी इजी रहेगा। ये सब चीजें मैं भी आपको अनअकैडमी प्लस पे पढ़ा रहा हूं। अब बात कर लेते थोड़ी बहुत बायोलॉजी की। बायोलॉजी की खास बात क्या है कि पूरी बायोलॉजी से सवाल बनते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कुछ ही ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे आपको सवाल हर बार देखने को मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट हर एक सेट में आपको सवाल देखने को मिल रहे हैं। मैं कुछ चीजें आपसे यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले आपको तैयार करके जाना है साइंटिफिक डिसिप्लिन, डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन। हमेशा याद रखना ये सिर्फ बायो की नहीं है, इसमें आपको बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों को एक साथ कंबाइन करना होगा, क्योंकि काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो कॉमन चलती हैं। तो अब तीनों चीजों को बिल्कुल एक साथ लेके चले, जितने भी डिस्कवरीज हुई हैं, जितने भी इन्वेंशन हुए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, सबसे पहले आप इसे याद करके जाओ, ये हर एक साल पूछे जा रहे हैं। उसके बाद आप डिटेल में जा सकते हो कि माइक्रोस्कोप किसने खोजा, या माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन किसने करा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने बनाया है, टेलीस्कोप किसने बनाया है, एटॉमिक बॉम्ब किसने बनाया है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले। इसके बाद साइंटिफिक डिसिप्लिन्स, चाहे आप इसे स्टडीज के रूप में समझ सकते हैं, जैसे कि आपसे मैं बात करता हूँ बर्ड्स की स्टडी को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन अगर हम बात कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, सेल की स्टडी को क्या कहते हैं। इसमें फायदा ये है कि ये आपको जीएस के साथ साथ इंग्लिश में भी फायदा दे रहा है, एंड इंग्लिश के साथ साथ आपको रीजनिंग में भी फायदा दे रहा है। तो ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप सबसे पहले तैयार करके जाएंगे। मैं आपको कुछ सवाल भी दिखा देता हूँ। डैश इज द स्टडी ऑफ माइक्रो एनाटॉमी ऑफ सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स। अब सेल को देखते ही हम ढूंढते हैं यहाँ पे साइटोलॉजी का, लेकिन ऑप्शन में साइटोलॉजी आपको नहीं दे रखा, तो आपको टिश्यू भी साथ में दे रखा है। टिश्यू के केस में आप हिस्टोलॉजी ढूंढते हो, जो कि आंसर आपको ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन को इतना सा देख के आगे बढ़ जाना बिल्कुल गलत होगा। हमेशा याद रखना चारों ऑप्शन आपको पता होने चाहिए, कि अगर आपको हिस्टोलॉजी पता है तो चारों ऑप्शन तैयार करने की कोशिश करो, जिससे कि आपकी जो कमांड है वो बहुत बढ़िया बने। जैसे एंटोमोलॉजी की बात करता हूँ या पेलियंटोलॉजी की बात करता हूँ, तो ये सब आपको पता होना चाहिए किसकी स्टडी है, क्योंकि हो सकता है अगली बार सेम यही चार ऑप्शन हो लेकिन जो ऊपर की डेफिनेशन आपको दे रखी है वो चेंज हो जाए। तो इस चीज को थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़ें, डिटेल में पढ़ें, सिर्फ याद ना करें, चीजों को समझे भी, जिससे लंबे समय तक आप उसे रिटेन कर पाए। डैश इज द ब्रांच ऑफ जूलॉजी कनेक्टेड विद द स्टडी ऑफ एम्फीबियंस। अब यहां पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, एम्फीबियंस की जगह अगर रेप्टाइल्स लिखा होता तो इसका आंसर क्या होता।
आप फटाफट से मुझे कमेंट में आंसर दो। बिल्कुल सेम सवाल है, एम्फीबियन को हटा के मैं रेप्टाइल्स लिख देता हूँ, अब इसका आंसर क्या होगा? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, अगेन फिर आपको पता होना चाहिए कि हर्पेटोलॉजी क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है, एथोलॉजी क्या है और मैमोलॉजी क्या है। चारों के चारों आपको पता होने चाहिए, ऐसा नहीं है सिर्फ आपने हर्पेटोलॉजी पढ़ा और आगे बढ़ गए, चारों ऑप्शन आपको पता होने चाहिए। इस तरीके आप चीज़ों को पढ़ें कि आपसे उसके बाद मैं कुछ भी पूछ लूँ आपका आंसर आना चाहिए। डैश इज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन कंसर्न विद द स्टडी ऑफ प्लांट पॉलन स्पोर्स एंड सर्टेन माइक्रोस्कोपिक प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिजम्स इन बोथ लिविंग एंड फॉसिल फॉर्म। अब ये सवाल बढ़िया था कि बेसिकली आपसे पॉलन की बात वो कर रहा है, पॉलन की स्पोर्स की, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमेशा आपको पता होना चाहिए कि बाकी ऑप्शंस का भी मतलब क्या है। जैसे अगर मैं आपसे डेंड्रोलॉजी की बात करता हूँ तो डेंड्रो को देख के आप समझ जाओगे कुछ ना कुछ पेड़ों से जुड़ा है, तो आप इसे एलिमिनेट कर सकते हो। आपसे एथनो बोटानी की बात करता हूँ तो आप समझोगे यहाँ पे आगे एथनिक लिखा है, पीछे बोटानी लिखा है, तो इससे आप रिलेट करके एलिमिनेशन बढ़िया से लगा सकते हो। हमेशा सारे के सारे ऑप्शंस को अच्छे से तैयार करके जाया करो। अब बात कर लेते हैं आपसे दूसरा वो टॉपिक जो कि काफी ज्यादा पूछा जाता है, आप मान के चले हर एक सेट में इससे सवाल बनते हैं, और सबसे बढ़िया बात क्या है, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है और बढ़िया से आप इजीली इसके अंदर स्कोर कर सकते हो। विटामिन की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, विटामिन से दो ही बातें इंपॉर्टेंट है, सोर्स डेफिशिएंसी डिसीज कि ये मिलता कहाँ से है और इसकी कमी से क्या होता है, और तीसरे नंबर पे जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है इसका नेम कि अगर विटामिन सी लिखा है तो उसे मैं किस नाम से जानता हूँ, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तीन चीज़ें विटामिन में आपको सबसे पहले पढ़नी है, बाकी जो डिटेल है वो समझने के लिए होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले आप ये तीन चीज़ें कवर करेंगे। रिकेट्स इज अ डिसीज एसोसिएटेड विद द डिफिशियंसी ऑफ क्या, जैसे ये चार ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं तो कायदा ये कहता है कि आपको विटामिन डी का पता होना चाहिए कि इसका जो असली नाम है वो क्या है, क्या वो कैल्सीफेरॉल है, मैं आपसे कमेंट में पूछना चाहूंगा, क्या वो रेटिनॉल है, क्या वो नियासिन है, या वो नन ऑफ दीज है। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आप फटाफट से मुझे कमेंट में बताएंगे कि विटामिन डी का जो असली नाम है इन चारों में से क्या होगा, क्या वो कैल्सीफेरॉल है, रेटिनॉल है, नियासिन है या नन ऑफ दीज है। सेम इसी तरीके आपको विटामिन सी का पता होना चाहिए, बी का पता होना चाहिए, ए का पता होना चाहिए, ये सारी चीजें आपके फिंगर टिप्स में होनी चाहिए। स्पेसिफिकली जो बी है, बी के जितने नाम होते हैं ये आपको पता होने चाहिए कि अगर नियासिन की बात करता हूँ तो B1 है, B2 है, B3 है, B12 है, B9 है, B6 है, ये सब चीजें आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन एप्पल, अब एप्पल के अंदर कौन सा एसिड है, गिने चुनी चीजें याद रखना। लेमन आपसे पूछता है, एप्पल आपसे पूछता है, टोमेटो पूछता है, स्पिनच पूछ सकता है, इस टाइप की कुछ चीजें आप कहेंगे। इंसेक्ट की बाइट के अंदर अगर मैं आंट्स की बात करता हूँ इसके अंदर कौन सा एसिड है, विनेगर आपसे पूछता है, ये कुछ चीजें हैं जहां से मैक्सिमम सवाल आपको देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले आप इन्हें अच्छे से तैयार करना। एक चीज मेरे कहने से और तैयार करके जाना, लॉजिक अपना अच्छा रखना कि सल्फ्यूरिक एसिड अगर है तो सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज्यादा हार्मफुल होगा, बहुत कम पीएच होगी इसकी तो नुकसानदायक होगा, तो इसका मतलब एप्पल के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड नहीं हो सकता। इस टाइप से आप थोड़ा एलिमिनेशन लगाएंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। द डेफिशियंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट्स कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस, अब मैं आपसे सवाल एक पूछना चाहता हूँ यहाँ पे, जेरोफ्थेल्मिया जो है ये कौन से विटामिन की कमी से होगा, आप फटाफट से मुझे कमेंट में इसका आंसर दो, अगर नहीं पता हाथों हाथ गूगल करें आप इसके बारे में पढ़ें, क्योंकि ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब यहाँ पे जो सवाल आपसे पूछता है, द डेफिशियंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए इसका आंसर होगा, विटामिन ए की जो कमी होती है उससे रतौंधी यानी रात को आपको कम दिखता है, क्योंकि जो रॉड सेल्स होते हैं उन पे इफेक्ट पड़ता है, वो उतने बढ़िया से काम नहीं कर पाते, तो जो इंटेंसिटी होती है हम उसे अच्छे से पहचान नहीं पाते। वॉट इज द पॉपुलर नेम ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, अब यहाँ पे काफी सारे लोग इस सवाल को लेकर परेशान हो गए थे, लेकिन एक्चुअल में जो ऑप्शन है उसके अंदर ही आंसर छुपा हुआ था। विटामिन सी से हम सबको पता है कि स्कर्वी जो है वो नहीं होती, जो स्कर्वी है वो आपको नहीं होगी, तो प्रैक्टिकली हम जो चीज नहीं होती, नहीं के लिए ए लगाते हैं, तो ए स्कर्वी से आप इसे रिलेट कर सकते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। इस तरीके अगर आप चीजों को पढ़ोगे आप लंबे समय तक याद कर पाओगे और इजीली आप उसे रिटेन भी कर पाओगे। अगेन डिस्कवरी से काफी सवाल आपको देखने को मिले, स्मॉल पॉक्स की डिस्कवरी किसने करी है, पेनिसिलिन बहुत बार आपसे पूछा जाता है, ये कुछ चीजें अपने बिल्कुल फिंगर टिप्स पे आप रखें। देखो यही सेम सवाल क्या मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया है, एक सेट में आपसे ये वाला सवाल बना है कि नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है, उसके बाद जो सवाल बना है नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है, स्टेटमेंट बदल दी, ऑप्शंस काफी क्लोज रखे, और इजीली अगर आप पहले वाला पेपर देख के जाते, अगर आप उस कॉन्सेप्ट को पकड़ पाते जो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो इसका आंसर आप इजीली दे सकते थे।
अब बात कर देते हैं ब्लड की। ब्लड में हमें क्या क्या पढ़ना है। देखो ब्लड के बारे में जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि बहुत सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है। यहाँ पे मैं ब्लड की बात कर रहा हूँ, हार्ट की नहीं। हार्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ब्लड से ज्यादा सवाल बनते हैं। छोटा सा टॉपिक है, अगर आप इसके नोट्स बनाओगे तो मुश्किल से एक पेज के अंदर खत्म हो जाने चाहिए इसके नोट्स। और बेस्ट पार्ट ये, इससे बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। जो ब्लड प्रेशर आप किससे नापते हो, ग्लूकोमीटर से, स्फिग्मोमैनोमीटर से, थर्मोमीटर से, लैक्टोमीटर से। ऑप्शंस को देख के आप समझ जाओगे कि यहाँ तो ग्लूकोस है, यहाँ पे थर्मो का मतलब टेम्परेचर है, या लैक्टो का मतलब मिल्क है, तो इसलिए ये तीनों नहीं हो सकते, यही ऑप्शन आपका बचता है। इस तरीके आप चीज़ों को एलिमिनेट करें। अगर यहाँ ब्लड प्रेशर की जगह मैं लिखता हूँ एटमोस्फेरिक प्रेशर, तो आंसर आपका बिल्कुल बदल जाएगा और आप आंसर देंगे बैरोमीटर। अब यहाँ पे सवाल है बोथ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, इन्हें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है बनने के लिए। अब मान लेते हैं आपको मायोग्लोबिन नहीं पता, लेकिन हीमोग्लोबिन तो हमें पता है, तो हीमोग्लोबिन के तरीके आप सिंपली आंसर दे सकते थे कि जो ब्लड होता है, ब्लड को हम एसोसिएट करते हैं आरबीसी से, आरबीसी को हम एसोसिएट करते हैं हीमोग्लोबिन से, हीमोग्लोबिन को हम एसोसिएट करते हैं आयरन से, और इसे हम एसोसिएट करते हैं ऑक्सीजन से। इस तरीके आप चेन के रूप में चीज़ों को लेकर पढ़ें कि अगर इनमें से कुछ भी कम होगा तो हमें अनीमिया हो जाएगा। इस तरीके आप सीक्वेंस को लेकर चलें जिससे आपके लिए चीज़ें रिटेन करना आसान रहे। इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज ब्लड प्रोड्यूस्ड। चार ऑप्शन है यहाँ पे हैं, कन्फ्यूजन दो ही ऑप्शन में लोगों को होती है। एक स्प्लीन है जिसे ग्रेवियार्ड ऑफ आरबीसी भी आप कहते हो, एक बोन मैरो। अब ऑप्शन में आप देखोगे तो स्प्लीन दे ही नहीं रखा, इजी ऑप्शन दिए हैं एसएससी ने, तो आप इजिली टिक कर सकते हो। बोन मैरो के अंदर जो है ब्लड बनता है, जो लंग्स हैं वो ब्लड को प्योरीफाई करते हैं, इसलिए गलत हो गया। ब्रेन सिंपली इसे कंज्यूम करता है, एनर्जी अपना इससे लेता है, ऑक्सीजन लेता है और अपना काम करता है, ये भी नहीं होगा। जो हार्ट है ये सिर्फ पंप करता है, हार्ट का सिर्फ एक काम है बॉडी के अंदर, हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है। हार्ट का डायग्राम भी आप अच्छे से पढ़ के जाना, जितनी भी चीज़ें आर्टरीज होती है, वेन्स होती है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ के जानी है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये सेप्टम जो है SEP TUM, ये इन चारों में से कौन से ऑप्शन से जुड़ा है, आप मुझे फटाफट से कमेंट में बताएंगे। जो सेप्टम है इन चारों से किससे जुड़ा है, पांचवा ऑप्शन मैं अपने पास से आपको दे रहा हूँ, नन ऑफ दीज। याद रखना सेप्टम मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं स्टर्नम नहीं पूछ रहा हूँ, स्टर्नम बिल्कुल अलग चीज़ है, स्टर्नम नहीं पूछ रहा हूँ, सेप्टम मैं आपसे पूछ रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज रिड्यूसेस, ये बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि ऑक्सीजन जो है अगर हीमोग्लोबिन लेके जा रहा था तो कौन सी ऐसी गैस है जो कि इसकी जो एफिनिटी है उसे तोड़ देगी और इसके साथ अच्छे से बॉन्ड बना देगी। आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी वजह से इसे हम डेंजरस गैस कहते हैं, इसी वजह से हम इसे कहते हैं कि हमें पता भी नहीं लगेगा कब जान चली जाएगी, और इससे काफ़ी सारे लोगों की डेथ और कोमा में भी आप जा सकते हैं अगर CO जो है हमारी बॉडी के अंदर चला जाए। विल्सन डिसीज, डिसीजे से बहुत सवाल आपको देखने को मिले हैं। डिसीजेज जैसे मैं आपसे पूछता हूँ विल्सन डिसीज का इस बार सवाल बना है, सेम सवाल मैं आपसे पूछता हूँ मिनी माता डिसीज जो है ये कौन से एलिमेंट से जुड़ी है। सेम सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल है। ऑप्शन यहाँ पर इन चारों के अलावा पांचवा ऑप्शन भी मैं डालता हूँ कि नन ऑफ दीज। हो सकता है मरकरी हो सकता है लेड हो, इनमें से क्या होगा आप मुझे बताएंगे, या फिर एटसेट्रा कुछ भी हो सकता है। आप मुझे फटाफट से कमेंट में बताएंगे कि मिनी माता डिसीज जो है वो कौन से एलिमेंट से जुड़ी है। मैं आपको हिंट देना चाहूंगा, मिनी माता क्रीक जो कि जापान के अंदर है, वहां पे सबसे पहले देखी गई थी, उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया है। कितना सिंपल सवाल था, बिल्कुल फ्री के नंबर मिल रहे थे, लेकिन अगर इसे भी किसी ने गलत करा है तो वो एक सिंपल मिस्टेक, सिली मिस्टेक हो सकती है। ऐसी मिस्टेक आप बिल्कुल भी ना करें। आप SSC CGL CHSL के साथ सभी SSC एग्जाम्स की तैयारी एक सिंगल प्लान में कर सकते हैं, जिसमें अभिनय सर की पूरी मैथ्स, पूरा वाईफाई स्टडी, प्रतियोगिता मंत्रा, रानी मैम, सुमित सर, आफरीन मैम, सभी एजुकेटर्स के सभी कोर्सेज आप एक सिंगल प्लान में ले सकते हैं। पूरे एक साल का प्लान लेना आपको इस रेट में पड़ जाएगा। आप डिस्काउंट कोड PMYT लगाएंगे बिना स्पेस के, बस आपको बिना स्पेस के लगाना है। जिसके अंदर मॉक टेस्ट, आउट सेशन सब कुछ इंक्लूडेड है, कहीं नहीं भटकना आपको इसके लिए। बस अपना यहाँ से आप कैटेगरी चुन के अपना प्लान चूज करके अब PMYT आपको लिखना है, रेफरल कोड की जगह डिस्काउंट कोड, आपको इससे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा एंड आपको इस रेट के अंदर आपके प्लान्स पड़ जाएंगे। अगर आप UPSC, बैंकिंग, रेलवे या किसी भी कैटेगरी में आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको यही डिस्काउंट कोड लगाना है। ध्यान रखना मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको लिखना है PMYT। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम। थैंक यू सो मच।